नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन बॉलीवुड। मैं हूं आपके साथ भूवी किंगर। आजकल बॉलीवुड सितारों का कुछ भी सामाजिक मुद्दे पर कहना उनको भारी पड़ जाता है। राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो या बलात्कार की घटना, अगर सितारे कुछ बोलते हैं तो उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और अक्सर उनकी फिल्मों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ दीपिका पादुकोण के साथ। दीपिका पादुकोण के JNU जाने पर इतना बवाल हुआ कि ट्विटर पर हैशटैग बायकॉट छपाक ट्रेंड करने लगा। हालांकि दीपिका पादुकोण ने JNU पर ना तो कोई बयान दिया और ना ही कोई नारा लगाया, लेकिन इसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर देखने को मिला। फिल्म ने पहले दिन 4,77,00,000 रुपए कमाए। दीपिका पादुकोण के बाद बात करते हैं फरहान अख्तर की। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल में बहुत ही जल्द फरहान फिल्म तूफान में नजर आने वाले हैं। इधर फरहान की फिल्म तूफान का पोस्टर रिलीज हुआ और उधर सोशल मीडिया पर #बायकॉटतूफान ट्रेंड करने लगा। दरअसल इसकी वजह थी फरहान अख्तर का नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध में उतरना, लेकिन इसके बाद भी फरहान लगातार अपनी राय सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। फरहान के बाद बात बॉलीवुड के बाजीगर शाहरुख खान की। आपको शाहरुख खान का असहिष्णुता वाला कमेंट तो याद ही होगा। एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान से पूछा गया कि क्या देश में असहिष्णुता है। इसके जवाब में शाहरुख खान ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है और ये बहुत ज्यादा स्तर पर है। क्या आप जानते हैं कि इसका खामियाजा शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले को झेलना पड़ा और बात इतनी बढ़ गई कि शाहरुख खान को माफी भी मांगनी पड़ी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताएं। इसके अलावा NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।